इसमें देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था के मैप। एज आई टोल्ड यू कि के मैप का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, राइट। अब के मैप में हमारे पास एक कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? डोंट केयर की कंडीशन होती है, राइट। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि के मैप विद डोंट केयर आएगा ही आएगा या नहीं आएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लाइक जितने भी तुम्हारे 2 साल अभी पेपर हुए हैं इसके DLCD के, तुम्हें पता है, तो उनमें डोंट केयर नहीं आया हुआ। तो ये नहीं कह सकते कि डोंट केयर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो नहीं आएगा, क्योंकि जनरली वो देते हैं कि के मैप ही देते हैं और उसके साथ डोंट केयर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ठीक है, क्लियर है। तो ये मत सोचना कि सिलेबस में नहीं है, राइट। मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद तुम्हें डोंट केयर क्लियर हो जाएगा। लाइक सिग्मा एम 1, 3, 7, 11, 15 प्लस डी, डी मतलब डोंट केयर से रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 2, 5। अब डोंट केयर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो नाउ यू नो कि ये कितने वेरिएबल का हमारे पास के मैप है, 15 तक जा रहा है। तो 15 के लिए हमारे पास कितने वेरिएबल का के मैप होगा? ये 4 वेरिएबल का के मैप होगा ये वाला, राइट। तो 4 वेरिएबल का यहाँ पे हम के मैप बना लेते हैं और उसमें डोंट केयर जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम क्या मार्क कर देंगे? क्रॉस मार्क कर देंगे। तो 1 इज ऑन 1 1, सॉरी ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे ये 1 है तो 1 पे मार्क कर दिया, 3 है 3 पे मार्क कर दिया, 7 है 7 मार्क कर दिया, 11 है 11 पे मार्क कर दिया, 15 है 15 पे मार्क कर दिया, ये है। अब देखो डोंट केयर कहाँ कहाँ पे है तुम्हारे पास। डोंट केयर है 0 पे, तो 0 पे क्रॉस लगा दिया, 2 पे है तो 2 पे क्रॉस लगा दिया, 5 पे है तो 5 पे क्रॉस लगा दिया, ठीक है, क्लियर है। अब डोंट केयर का मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पता कि ये 0 भी हो सकता है और ये 1 भी हो सकता है। तो जहाँ हमें रिक्वायरमेंट लगती है हम उसको 0 की तरह ट्रीट करते हैं और जहाँ हमें रिक्वायरमेंट लगती है हम उसे 1 की तरह ट्रीट करते हैं। लाइक अगर एक नॉर्मल टर्म्स में एक बात कहूँ तो, कि मान लो क्लास में तुम्हारा कोई फ्रेंड है, ओके। अब वो फ्रेंड तुम्हारा कोई ऐसे होता है ना कि ऐसा कोई फ्रेंड है कि जिससे तुम्हें ज़्यादा मतलब ना हो, अगर उसको इंक्लूड करके तुम्हारा बड़ा ग्रुप बनता है, तुम्हारा फ़ायदा होता है, तो तुम उसको इंक्लूड कर लेते हो, और अगर उसको इंक्लूड करके तुम्हारा फ़ायदा नहीं हो रहा तो तुम उसको छोड़ देते हो। होते हैं ना कुछ ऐसे फ्रेंड्स कि हाँ भाई चल ठीक है, कि फ़ायदा दिख रहा है तो अपने ग्रुप में मिला लिया, शामिल कर लिया, और फ़ायदा नहीं दिख रहा तो छोड़ो, उसे अकेले रहने दो, ठीक है, समझ गई। तो अब जैसे यहाँ पे क्रॉस और क्रॉस है, इसको मिला के मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई मेरा पेयर क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। जैसे कि हमारा टारगेट क्या होता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वंस को हमें क्या करना होता है? इंक्लूड करना होता है। तो इसको मिला के हमारा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हमने इसको मिला लिया, राइट। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है, ये 4 1 का, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब ये वाला क्रॉस देखो, ये वाला क्रॉस क्या रह गया? अकेला रह गया, है ना। तो ये वाला अगर क्रॉस अकेला रह रहा है तो उसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहाँ पे क्रॉस, तो वही मैं बोल रही हूँ कि क्रॉस अगर अकेला रह रहा है तो रहने दो, मतलब ये नहीं कि उसको इंक्लूड करना ही है। अगर यहाँ पे क्रॉस की जगह 1 होता तो हमारे लिए कंपल्शन हो जाता, तो हम ये 4 का पेयर बनाते। अगर हमारा कोई क्रॉस अकेला रह रहा है तो उसको इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है, उसको अकेला छोड़ दो। अब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ क्रॉस के लिए एक और पेयरिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो ये तुम्हारा ऐसे वो वाला फ्रेंड है जिसकी तुम्हें ज़्यादा परवाह नहीं है। अब तुम सोचो कि एक वो जो ऐसा फ्रेंड है उसके लिए तुम अपना ग्रुप और बनाओगी, मेहनत करोगी? नहीं ना। तो ये वो, तो 2 पेयरिंग हो जाएगी, 2 नेमिंग हो जाएगी। नेमिंग की वही कंडीशंस हैं, सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। इसका हो जाएगा ए बार बी बार और इसका हो जाएगा हमारे पास सी डी, क्लियर है, ठीक है। अब एक मैं तुम्हें देती हूँ, वो करना। सिग्मा एम 0, 1, 5, 9, 13, 14, 15 प्लस डोंट केयर है 3, 4, 7, 10, 11 ये वाला करो। ये है तुम्हारा के मैप विथ डोंट केयर। इसमें बनाओ क्या बनेगा, सबसे पहले पेयरिंग और फिर उसके बाद नेमिंग।
देखो यहाँ पे क्या आएगा, वन 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 वन, क्रॉस क्रॉस वन क्रॉस वन क्रॉस वन क्रॉस। अब इसके बाद तुम्हें इसकी क्या करनी है, पेयरिंग। अब इसमें देखो ये 8 की एक पेयरिंग हो जाएगी, राइट, 4 की एक पेयरिंग हो जाएगी और ये 4 की एक पेयरिंग हो जाएगी। अब इसकी नेमिंग क्या होगी, पूरा 8 का ग्रुप है तो इसका सिर्फ एक ही आएगा डी। इसका क्या आएगा, ए सी, और ग्रीन वाले का क्या आएगा, ए बार सी बार। क्लियर है, डोंट केयर का। बोलो। अब इसको तुम गेट्स के थ्रू रियलाइज कर सकते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि के मैप की जो अभी तक हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, सोप फॉर्म पढ़ी थी। अब हम कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे, पोस्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट ईयर के पेपर्स दिखाए थे उसमें तुम्हारा सोप फॉर्म भी आया हुआ था और तुम्हारा पोस्ट फॉर्म भी आया हुआ था, राइट। याद है तुम्हें पोस्ट फॉर्म की फुल फॉर्म क्या थी हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ सम। अगर सोप आता है तो हमारे पास क्या लिखा आता है, सिग्मा एम, और अगर पॉस आता है तो हमारे पास क्या लिखा आता है, पाई एम। बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस उल्टा हो जाएगा। उल्टा इन द सेंस कि जो भी नंबर दिए होते थे सिग्मा एम में हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, वन से, और पॉस फॉर्म होगा तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से। यहाँ पे जो भी पेयरिंग होती थी वो किसकी होती थी, वन की होती थी, और यहाँ पे जो भी पेयरिंग होगी वो किसकी होगी, जीरो की होगी, राइट। लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक पोस्ट फॉर्म का सिंपल सा एग्जाम्पल करवा रही हूँ, थ्री वेरिएबल का। सपोज हमारे पास ये है थ्री वेरिएबल का के मैप है और इसमें हमें ये है जीरो जीरो जीरो, इसकी क्या करनी है, पेयरिंग करनी है, राइट। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता था, ए बी सी, तो इसकी मैंने तुम्हें टेबल बताई थी, क्या लिखते थे हम, जीरो 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 वन 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 जीरो, राइट, और यहाँ पे क्या लिखते थे, जीरो वन। क्लियर। अब जैसे अगर हमारे पास ये नॉर्मल सोप फॉर्म होता तो हम इसको क्या लिखते, बी बार सी बार, यही लिखते। पोस्ट फॉर्म में ये नहीं लिखेंगे, पोस्ट फॉर्म में इसके ऊपर जैसे जो ऑलरेडी टर्म सोप फॉर्म में लिखते थे उसके ऊपर एक और बार लगा दो। तो बताओगे मुझे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। तो यहाँ पे अब हम बी बार सी बार ना लिख के क्या लिखेंगे इसको, बी प्लस सी, गॉट इट। अब यहाँ पे इसी तरह क्या हो जाता था, बी बार सी ये होता था, अब क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बार। यहाँ पे क्या होता था, बी सी, तो अब क्या हो जाएगा, बी बार प्लस सी बार। सब कुछ उल्टा चलेगा, जैसे कहते हैं ना उल्टी दुनिया में चले गए हम, बी सी बार, तो ये कितना हो जाएगा, बी बार प्लस सी, ये कितना हो जाएगा, ए, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए बार। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब इसकी हमें क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी सब खाली है, बाकी सब में क्या रहेगा, वन वन। अब अपने माइंड की सोचने वाली बात है क्योंकि तुम ट्रेंड हो वन वन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पोस वाली फॉर्म बिल्कुल ध्यान से करना, बिल्कुल शांति वाले माइंड से करना, अदरवाइज गलती कर देते हैं इसमें काफी बच्चे, मैंने देखा है पेपर चेक करते हुए। तो तुम्हें अब किसकी पेयरिंग करनी है बताओ, जीरो जीरो की पेयरिंग करनी है। कितनी पेयरिंग होगी इसमें, एक कितने पेयर्स बनेंगे, दो पेयर बनेंगे। यहाँ पे क्या था, जीरो जीरो जीरो, मैंने वन हटा दिया ताकि इजी रहेगा। एक पेयर ये हो गया और हमारे पास एक पेयर ये हो गया, राइट। तो अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी है ग्रीन वाले की, तो क्या होगी इसकी, जैसे ये वाला जीरो किसके घर बैठा हुआ है, लेफ्ट से देखोगे तो ए और ऊपर से देखोगे तो प्लस बी बार प्लस सी बार, राइट, ये वाला। दोबारा बता रही हूँ, ये वाला जीरो, जैसे पहले मैंने तुम्हें वन के लिए बताया था ना, ये वाला जीरो किसके घर बैठा हुआ है, कौन से ब्लॉक में है, लेफ्ट से देखोगे तो क्या है और ऊपर से देखोगे तो क्या है, तो दोनों को क्या कर दो। अब ये वाला वन जीरो बताओ, ये वाला जीरो किसके किसके लिए क्या नेमिंग होगी, ए प्लस बी बार प्लस सी। क्लियर।
है। अब इन दोनों में से देखो तुम क्या है कॉमन, ए और बी बार जो कॉमन होता है वो क्या हो जाता है, उसमें क्या था उल्टा था, यहाँ पे जो भी कॉमन होगा वो हट जाएगा, सब कुछ उल्टा। ठीक है, वहां पे क्या लेते थे, जो भी कॉमन होता था वो ले लेते थे हम, जैसे ऐसे क्या होता था सी से सी बार कट गया, राइट, ऐसे काटते थे ना, यहाँ पे कॉमन वाला कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको एक बार मैं पहले लंबे वाले मेथड से बता देती हूँ, या तो मतलब इसका फाइनली आंसर, जैसे इसका क्या आएगा, यहाँ पे भी सी से सी बार कट गया और इसका फाइनल आंसर आएगा ए प्लस बी बार, गॉट इट। अब इसी तरह येलो वाले टर्म की नेमिंग बताओ क्या आएगी, पहले ऊपर वाला जीरो क्या है उसका, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, और नीचे वाले जीरो का क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, राइट। अब इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, बी बार और सी बार, है ना, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, बी बार प्लस सी बार, तो इन दोनों का फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, ए प्लस बी बार, ए ग्रीन वाले के लिए और बी बार प्लस सी बार ये तुम्हारा येलो वालों के लिए, दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज योर पोस फॉर्म, क्लियर। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें एक वो दे रही हूँ पाई एम के फॉर्म में, लाइक सपोज वाई इज इक्वल टू पाई एम 0, 2, 3, 5, 7, इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, पोस फॉर्म में बाई यूजिंग के मैप, बनाओ अपनी कॉपी में और फिर मुझे बताओ कि फाइनल आंसर क्या आया है नेमिंग एंड पेयरिंग इंक्लूड करके। ठीक है, इसमें हमारे पास ये पेयरिंग हो रही है, राइट, एक ये पेयरिंग हो रही है और एक हमारे पास ये पेयरिंग हो रही है, तो ग्रीन वाले का क्या आ रहा है, ए प्लस सी, येलो वाले का क्या आ रहा है हमारे पास, बी बार प्लस सी बार, और ब्लू वाले का क्या आ रहा है, ए बार प्लस सी बार। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग तुम पोस्ट फॉर्म का भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये था तुम्हारा थ्री वेरिएबल का, नाउ क्वेश्चन अगेन तुम्हें पता है कि फोर वेरिएबल के ही अकॉर्डिंग आएगा, तो फोर वेरिएबल का मैं बना देती हूँ, उसकी नेमिंग करनी है अब तुम्हें। यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी डी, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, तो 0 है यहाँ पे, ये 0, 0, 0, 0, 0, 0, इसकी नेमिंग करो और उसके पेयरिंग करो, ऊपर मैं लिखूँ ये क्या आएगा, सी प्लस डी, राइट, सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार, सी बार प्लस डी, ये लिख लेना इजी रहेगा तुम्हारे, ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार और प्लस ए बार प्लस बी, अब इसकी नेम करो। इसमें देखो एक तो पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा, यही बनाया, इसका आएगा ए बार प्लस सी बार और इसका आएगा हमारे पास ए प्लस बी बार प्लस डी बार और इसका आएगा हमारे पास ए प्लस सी प्लस डी, क्लियर है अब, तो इस तरह से लिख दे। अब उसके बाद तुम्हारे पेपर वाले क्वेश्चंस उठा लेते हैं जो ऑलरेडी तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं पोस फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, इसमें नहीं है ये रहा, जैसे हमारे पास है मिनिमाइज द एक्सप्रेशन दिस 0, 1, 2, 5, 8, 9 यूजिंग के मैप, सोप फॉर्म से हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हमें किससे करना है, पोस्ट फॉर्म से बनाना एक बार।
देखो तुम्हारे में ये पूछा हुआ है व्हाट आर डोंट केयर टर्म्स, इट मीन्स ये सिलेबस में, जैसे वहाँ पे ये मत सोचना कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, वहाँ पे नहीं था ना मेंशन, बट तुम्हारे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है डोंट केयर, तो ऐसे न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। तो डोंट केयर मतलब इसमें तुम क्या लिखोगे, कितने मार्क्स का ये है? 3 नंबर का है। डोंट केयर क्या होता है, डोंट केयर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डोंट केयर का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू वी डिडेंट एबल टू रिकॉग्नाइज। तो ये क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं तुम्हें पूरा वो मटेरियल, रिटन मटेरियल दे दूंगी कि क्या प्रॉपर लिखना है, जैसे 3 मार्क्स में तो इतना लिखोगे तो सफिशेंट नहीं है, राइट। तो उसके लिए मैं तुम्हें पूरा रिटन मटेरियल दे दूंगी कि क्या क्या लिखना है। इस सोप फॉर्म में हम 1 को कॉरस्पॉन्डिंग लेके 1 कंसिडर करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, और अगर पोस्ट फॉर्म होगा तो उसको हम 0 लेके ग्रुपिंग कर लेंगे, ओके। तो अभी फिलहाल तुम ये वाला क्वेश्चन करो पोस्ट फॉर्म से, ये तुम्हारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, 4 का तुम्हें सोप फॉर्म से करना था और 4 का तुम्हारा था पोस्ट फॉर्म से, राइट। इसमें देखो ये 2 ऊपर 2 ऊपर, तो ऐसे 4 का ऐसे बनाना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि 4 का बने, इस चारों एक एक कॉर्नर पे है ना, तो इन चारों का एक बन गया, ठीक है। और अब कौन बचा, ये वाला बचा, तो इसका ये 2, तो 3 आएंगे, राइट। तीनों की नेमिंग बताओ अब मुझे क्या आएगी। तो ये हमारे पास येलो वाले का क्या रहा है, ए प्लस सी प्लस डी बार, और रेड वाले का क्या आएगा, ए प्लस सी, और जो ये ग्रीन है चारों कॉर्नर में इसका क्या आएगा, सॉरी बी प्लस सी, ये है कॉमन, और ग्रीन वाले का बताओ क्या आएगा, बी प्लस डी, हो गया 4 नंबर का। तो लास्ट में तुम्हें क्या लिखना है, वाई इज इक्वल टू दिस टर्म एंड दिस टर्म, क्लियर। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन और आया हुआ है तुम्हारा, मिड टर्म का क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में, फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन एफ, ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है ना कि नंबर के फॉर्म में, और तुम्हें कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, पोस फॉर्म में, राइट। तो बताओ पोस फॉर्म में इसको कैसे करोगे, नंबरिंग वाले को दिया तो ये सोप फॉर्म में हुआ है, बट एक्सप्रेस तुम्हें किस में करना है। तो अपने तरफ से तो नहीं लगा सकते ना कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो 0001 1110, इसके अकॉर्डिंग देखो ये नंबर कहाँ पे आ रहा है, ए बार बी सी बार, ए बार ये है और बी सी बार ये है, तो 1 यहाँ पे आ गया, आ गया। अब इसमें क्या है, जैसे मैं इसकी अगर नंबरिंग करूँ तो ये क्या है, ए बार ए, ये क्या है, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए बार बी सी बार, ए बार है तो यहाँ से, बी सी बार है तो यहाँ से। सेकेंड टर्म क्या है, ए बार बी सी, एक मिनट, इस पे तीनों पे बार है, एक ये वाला टर्म, तो ए बार बी बार सी बार, मतलब यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारे पास ए बी सी बार, आई थिंक यही है ना, ए बी सी बार यहाँ पे। नेक्स्ट है ए बी सी, ए बी सी यहाँ पे, और नेक्स्ट है तुम्हारे पास ए बी सी बार, तो ए बी सी बार यहाँ पे, राइट। बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, 0 0 और 0, थर्ड वाला ए बी सी है, सॉरी थर्ड वाला ए बी बार सी, जो भी है मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बता रही हूँ, ठीक है। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, पोस में, तो पोस के लिए हमें किसकी पेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो फिर इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी नेमिंग अलग से हो जाएगी। तो अब इसकी नेमिंग बताओ क्या आएगी, ए बार प्लस सी। ए बार नहीं आएगा तो वो चेंज होएगा, वो ए बार था वहां पे, सो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बार जो भी आ रहा है बेसिकल। अगर तुम्हारे तो लग रहा है ना ए बार सी आ रहा है तो उसके ऊपर बार लगा दो, इतना दिमाग मत लगाना, ठीक है। और इसकी इंडिविजुअल की क्या हो जाएगी, वैसे सोप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए बी सी बार सी बार, तो वैसे क्या हो जाएगी ए बार प्लस बी प्लस सी। तो ये इसका पोस्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ये तुम्हारे आईपी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन 4, ये तुम्हारा एंटम के पेपर के अकॉर्डिंग है। सी वाई ए बी सी डी पोस्ट फॉर्म दिया हुआ है पाई 0 1 2 4 5 8 9 15, राइट। इसको तुम्हें पोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बनाओ के मैप। 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके नाउ दिस इज द केस, तो दो दो 4 का पेयर बन गया, राइट। एक ये राइट, और एक 4 का ये पेयर गया। अब इसकी नेमिंग बताओ, नेमिंग क्या होगी, ग्रीन वाले की, येलो वाले की, पिंक वाले की। ग्रीन वाले की क्या है नेमिंग, पिंक की है ए प्लस सी, येलो की प्लस बी प्लस सी, और ग्रीन की ए प्लस, दोनों की सी कैसे, प्लस सी, ठीक है। अब परफेक्ट हो गए के मैप वाले क्वेश्चंस में। नाउ योर के मैप टॉपिक इज कंप्लीटेड। तो के मैप का क्वेश्चन 100% आएगा, सोप फॉर्म में की फॉर्म में आ सकता है, पोस्ट फॉर्म की फॉर्म में आ सकता है, या फिर एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ सकता है, जैसे इन्होंने एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मतलब देखने में इजी है बट बच्चे पेयरिंग में बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं। और ये तुम्हारा 8 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तुम समझ सकते हो कि अगर 8 नंबर तुम्हारे पेपर में आ गए तो तुम अच्छे स्कोर करोगे, राइट। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है तुम्हारा फर्स्ट यूनिट में, दैट इज क्यू एम मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वीन मैक्लस्की मेथड। देखो वैसे जनरली यूनिवर्सिटीज में क्या होता था, या तो के मैप का क्वेश्चन आता है या फिर क्यू एम मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, मतलब के मैप से करोगे और क्यू एम से करोगे तो दोनों से आंसर सेम आएगा, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं के मैप के आने के। क्यू एम का तुम्हारा हो सकता है कि मिड टर्म में एक क्वेश्चन दे दें या फिर एंड टर्म में एक क्वेश्चन दे दें के मैप के साथ, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्यूएम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब के मैप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये है कि 40 to 50% चांस है कि इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारा कन्वर्जन जो तुमने पढ़ी है, रिव्यू ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब ये क्या है, कन्वर्जन पे बेस्ड जो स्टार्टिंग पे कई क्वेश्चन होते हैं मिड टर्म में, वो पक्का आता ही है, ठीक है। तो के मैप हमारा कवर हो गया, उसके बाद में क्यू एम मेथड।